गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनी एनजे। गाइस आज बहुत दिन बाद हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आज यहाँ पे यंग पे जो धप्पड़ है यहाँ पे आई हुई हूँ। वाले ढूंगा जाने का रास्ता भी यहीं से पड़ता है, तो यहाँ पे स्नो फॉल हुआ था। हम लोग आज यहाँ पे स्नो देखने आए हैं, देखते हैं स्नो मिलता है या नहीं और कहाँ तक हम लोग जा पाएंगे। जहाँ तक हम लोग ट्रैकिंग करके जा पाएंगे वहाँ तक हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो गाइज हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई बहन और यहाँ पे जे जा रहा है और मैं। यहाँ से जो ये अंडर कंस्ट्रक्टिंग रोपवे है हम लोग का यंग साउथ सिक्किम में, एंड यहाँ से ऊपर तक आप लोग जा पाएंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सो जब कंप्लीट होगा तब आप लोग जा पाएंगे। एंड वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भाले ढूंगा विच इज़ नोन एज मैनम हिल। एंड यहाँ पे आपका जो ये है स्नो भी हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं। गाइस तो हम लोग आगे तक जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पे क्या क्या है। अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो है ये छोटा वाला रोपवे है, इसके थ्रू सामान वगैरह जाएंगे जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है इसका। और ये बड़ा वाला जो आप लोग को ये दिख रहा है ये सिल्वर कलर का, इसमें अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये रेडी होगा तब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं। एंड यहाँ पे हम लोग अभी चल के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं आते, पैदल जाना पड़ता है। एंड बाई ट्रैक वहाँ पे भाले ढूंगा है, यहाँ तक जाएंगे। और आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पे स्नो भी पड़ा हुआ है। जब ये कंप्लीट होगा तब आप लोग जितना भी घूमना चाहेंगे यहाँ पे सब लोग आराम से आ सकते हैं, अंत ऊपर तक जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप वे। को यहाँ से भाले ढूंगा जाने से अप्रॉक्स 5 आवर्स लगेंगे बाई ट्रैकिंग। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे जाके ऊपर की तरफ में हम लोग दिखाएंगे। गाइज तो हम लोग यहाँ तक ही आ पाए जहाँ पे आप लोग ये जो रोपवे का बना रहे वहाँ तक हम लोग आ पाए हैं। और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है भाले ढूंगा का, जो स्नो अभी सुबह तो बहुत था, अभी वो धूप के वजह से मेल्ट हो गया है। एंड आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारा स्नो है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग जा सकते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे ट्रैकिंग करके जाना होता है, जो कैब है वो यहाँ तक ही आ पाते हैं। एंड यहाँ से ऊपर आप लोग को बाय ट्रैक जाना होता है, एंड यहाँ से ऊपर जाने का अप्रॉक्स 5 आवर्स लगता है आप लोग को ट्रैकिंग करने के बाद। आप लोग ऊपर तक जाएंगे तो आप लोग का एक दिन वहाँ पर रुक के रिटर्न होने से अच्छा होता है। और यहाँ पे अभी तो बहुत ही ठंडा है, आप लोग जा पाएंगे तो वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करने का ऑप्शंस बहुत ही कम रख सकते हैं। अगर आप लोग फरवरी एंड में मार्च में जाएंगे तो उस टाइम बेस्ट लगता है यहाँ पे जाने के लिए। और नेक्स्ट इज़ अक्टूबर टू नवंबर। गाइस तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही लेके आएंगे अपने चैनल पे। एंड अभी हम लोग को वापस जाना है यंग। अभी भी मुझे तो जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है। गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और हमारा रास्ता यहाँ पे बहुत ख़राब है नीचे में।
आप देख सकते हैं जय यहाँ पे पीछे पीछे आ रहा है। अभी हम लोग यांगिंग हेलीपैड आया हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग है जो अभी फोटो शूट कर रहा है एंड यहाँ से भी व्यू अच्छा दिखता है। पे यहाँ से भी भाली ढूंगा को मेहनम हिल्स को दिखता है एंड यहाँ पे जय बैठा हुआ है। ये हम लोग का यांगिंग हेलीपैड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ यांगिंग। एंड इस तरफ हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है विच इज़ नोन एज तिगदे पोखरी। तो अभी ये है पोखरी, हम लोग अंदर की तरफ नहीं जा रहा है क्योंकि अभी ये ऑटम टाइम है तो यहाँ का जो लेक है वो पानी भी सूखा हुआ है। अच्छा गोल्डन फिश है ना, अभी मछली भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो है हाउ टू सेट अप अ टेंट फॉर अ कैंप, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं ये पोखरी में जितना भी फिश है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। उस टाइम में यहाँ पे बहुत सारा फिश था तो अभी यहाँ पे इतना नहीं है। ये आप लोग जो देख रहे हैं पीछे में छोटा छोटा सा क्यूट सा घर, ये गवर्नमेंट का होम स्टे है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये कंप्लीट होगा तो आप लोग यहाँ पे आके भी रुक सकता है। एंड यहाँ पे साइट में एक है टूरिज्म ऑफिस जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टूरिज्म का ऑफिस है। एंड यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, आप लोग नज़दीक में खा पी के यहाँ पे आराम से घूम भी सकते हैं। कैसे लगा आप लोग को आज आके यहाँ पे? अच्छे हाँ बट मजे आए, मजे। हे गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बोल दीजिएगा। एंड हम लोग का नियर बाई लोकल टूरिस्ट जो स्पॉट्स है जो कि यहाँ का फेमस है वो हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है आज। अभी हम लोग दूसरा वीडियो में फिर दूसरा जो भी डेस्टिनेशन है वो आप लोग को दिखाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।